जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निपुण भारत पहल। केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसे प्रारंभिक चरण के छात्रों के लिए संख्यात्मकता, मूलभूत पढ़ने और समझने में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा। निपुण भारत मिशन। निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026 से 2027 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? निपुण भारत पहल केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह योजना क्यों शुरू की गई है? तो भारतीय स्कूल में मूलभूत शिक्षा एक खामी रही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार लगातार वर्षों से स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश भारतीय छात्र बुनियादी अंकगणित को पढ़ समझ नहीं पाते। इस प्रकार इस मुद्दे से निपटने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। यह योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के निष्कर्ष। 4 से 8 आयु वर्ग के 25% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास आयु उपयुक्त संज्ञानात्मक, कोनीटिव और संख्यात्मक कौशल न्यूमेरेसी स्किल्स नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में सीखने की भारी कमी है। 6 साल से कम उम्र के 4% बच्चे कम से कम अक्षरों को पहचानने में सक्षम है। कक्षा 2 के 8% बच्चे अपने से नीचे की कक्षाओं का पाठ पढ़ सकते हैं। कक्षा 3 के 8% छात्र अपने से 2 स्तर नीचे के छात्रों के लिए बने पाठ पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप निपुण भारत मिशन को समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।